मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि मुसलमान तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लाहौर की तारीखी बादशाही मस्जिद में खिताब करके खुश हूँ और पाकिस्तानियों की वालेहाना मोहब्बत का बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने कहा, मुसलमानों का आज का जो हाल है वो आपस के लड़ाई झगड़े की वजह से है। हम तकसीम ना हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। सुभानहू तआला की रहमत और बरकत आप सब पर हो। मैं स्टेज पे आने के पहले मौलाना साहब मुझसे कह रहे थे, देखिए लाहौर, पाकिस्तान के लाहौरी मुसलमान कितनी मोहब्बत करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो मैंने कहा आज कंपटीशन हो जाए, कौन ज्यादा मोहब्बत करता है, जाकिर नाइक पाकिस्तानियों से या पाकिस्तानी जाकिर नाइक से। आज हम कंपटीशन लगाएंगे, क्या एक हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से ज्यादा मोहब्बत करता है क्या पाकिस्तानी हिंदुस्तानी से। खैर में कंपटीशन होना चाहिए, हर खैर काम में कंपटीशन होना चाहिए। अफसोस की बात है, इंसान अक्सर गलत काम में कंपटीशन करते हैं। हर खैर काम में कंपटीशन होना चाहिए। आज कंपटीशन लगाएंगे कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है क्या पाकिस्तानी हिंदुस्तान से। I love you too. मेरी ख्वाहिश थी कई सालों से पाकिस्तान आने की, और अल्लाह ने वो मुराद वो ख्वाहिश तकरीबन 2 हफ्ते पहले पूरी की, और आज मैं लाहौर में हूं और मैं बेहद खुश हूं, क्योंकि खुसूसन मैं बादशाही मस्जिद में तकरीर कर रहा हूं। आज के तकरीर का मौजू है अल कुरान आलमी जरूरत, द कुरान अ ग्लोबल नेसेसिटी। अल कुरान अल्लाह सुबहाना व ताला की आखिरी वही, आखिरी किताब है जो नाजिल की है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्लिन अजलिन किताब। हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, एक वही नाजिल की। नाम से कुरान मजीद में सिर्फ 4 अल्लाह की किताबों का जिक्र है, तौरा, जबूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही, वो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। जबूर वो किताब, वो वही है जो नाजिल की गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील वो किताब है, वो वही है जो नाजिल की गई थी ईसा अलैहिस्सलाम पे। और कुरान मजीद आखिरी किताब, आखिरी वही जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की। वैसा तो बहुत से किताबें हैं, मिसाल के तौर पे सूफ इब्राहिम, नाम से सिर्फ 4, लेकिन जितनी भी किताबें, जितने भी वही अल्लाह ने नाजिल की कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थी कुछ लोगों के लिए और एक दौर के लिए। जितने भी किताब पहले नाजिल की गई, तौरा, जबूर, इंजील और जिसके नाम हमें नहीं पता, वो महदूद थी एक वक्त के लिए और कुछ लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है, आखिरी वही है, कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं की गई और सिर्फ एक ग्रोह के लिए नहीं,
लेकिन सारी इंसानियत के लिए, और इसका पैगाम ता क़यामत तक रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, अल इस्लाम रा, हमने नाजिल की ये किताब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को अंधेरे से रोशनी मिले आए। कुरान ये नहीं कहता है कि सिर्फ मुसलमानों को अंधेरे से रोशनी पे लेके आए। अल्लाह ताला फरमाते ये किताब नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि सारी इंसानियत को अंधेरे से रोशनी पे ले आए। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, आयत नंबर 52, ये पैगाम है सारी इंसानियत के लिए।